स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आई टी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकंड ईयर की क्लास है और चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। इसके पहले मैंने 8 क्लास कंप्लीट करा दिया है, यदि आप 8 क्लास नहीं देखे उसको ज़रूर देखिए। उसमें से मैंने डीसी जनरेटर का वर्किंग बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर और उसके पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर सारे मैंने कवर करा दिया है। यदि आप लोग उसको नहीं देखो ज़रूर देखिएगा, तभी ये आज का आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक है। यानी आर्मेचर रिएक्शन तभी आप समझ पाओगे जब इससे पहले की थ्योरी क्लियर है। इसी प्रकार मैंने फर्स्ट ईयर की क्लास करवा रहा हूँ, फिटर की क्लास चल रही, बिल्डर की चल रही, तो आप लोग जो जिस भी ट्रेड से हो तो आप लोग कवर करना चालू कर दीजिए, क्योंकि यदि थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी आप सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो थ्योरिकल से ही उठाए जाते हैं, थ्योरी से ही उठाए जाते हैं। थ्योरी यदि आपसे बनती है तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार आप पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहले यदि थ्योरी बनेगी तभी अपन ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। सीधे मैं यदि आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना तो आपसे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो आज का जो टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन है, यानी आज अपन पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। क्योंकि कल अपन लोग पढ़े थे कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, ये सारे मैंने ख़त्म कर दिए हैं। फिर कॉम्युलेटिव क्या है, डिफरेंशियल क्या है, ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। इसलिए अब आज चलते हैं अपन पढ़ते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअली पे हुआ कहाँ पे है, उसका मेथड क्या है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे क्लास चालू हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। आर्मेचर रिएक्शन पे देखते हैं कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है, यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। यदि आपको आर्मेचर नहीं मालूम कि सर आर्मेचर होता क्या है, तो आज मैं एक बार और बता देता हूँ कि आर्मेचर ही जनरेटर का मेन पार्ट होता है। आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है, बिजली बनती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब जब आर्मेचर बिजली बनाता है, तो बिजली जब बनाता है उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि आपको मालूम है जब किसी कंडक्टर पे किसी चालक में हम लोग करंट का फ्लो या वोल्टेज फ्लो करते हैं तो उसके चारों मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसी प्रकार यहाँ पर हो रहा है। अब इसको समझना थोड़ा सा कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अब देखना, आपके पास दो प्रकार के फ्लक्स मिलेंगे जब बिजली बनने लगती है तब। पहला तो फील्ड वाइंडिंग, आप देखे होंगे ये हमारा फील्ड फ्लक्स हो, यानी ये बॉडी हुई, बॉडी के अंदर पोल लगाए गए हैं, पोल के में बाइंडिंग की गई है, यहाँ पे फ्लक्स कुछ ना कुछ है। जब इसी के अंदर हमारा आर्मेचर रोटेट करता है, ये हमारा आर्मेचर हो गया, मान लो ये हमारा आर्मेचर है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जब आर्मेचर को रोटेट कराया तो आर्मेचर में भी बिजली बनी। अब वो जो बिजली है तो कॉयल के माध्यम से हमें आउटपुट लेना है, बाहर लेना है, कम्यूटेटर लगाए हैं, स्लिप रिंग लगाए हैं, अभी वहाँ नहीं जाएंगे। अभी ये देखेंगे कि फ्लक्स का क्या मकसद है। जब यहाँ पे बिजली बनी तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न हुआ, यानी यहाँ बोला है कि आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र, अब मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य हम इसको बोलेंगे जो पहले से चुंबकीय क्षेत्र था और जो आर्मेचर बनाया, दो जगह हमें फ्लक्स मिला। अब जब दोनों फ्लक्स मिले तो आपस में लड़ाई होने लगी। ये बोला है कि आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन पड़ जाता है। यानी पहले से यहाँ कुछ ना कुछ फ्लक्स था, जब मैं आया मेरे ऊपर फ्लक्स आया, तो ये जो फ्लक्स है और मेरा फ्लक्स है जब दोनों मिले तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रभाव उत्पन्न हुआ, उसी को आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। यानी मैं यदि आर्मेचर बना तो इसको बनना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र इसको बनना पड़ेगा। ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र है, मैं चुंबकीय क्षेत्र हूँ, इसका आर्मेचर का हमारे आने के कारण जो फ्लक्स बना, पहले से जो यहाँ पे फ्लक्स था एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव कुछ पड़ा। आगे देख लो, जब आर्मेचर फील्ड पोल को चुंबकीय क्षेत्र, जब आर्मेचर फील्ड पोल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है।
जब आर्मेचर फील्ड को पोल के चुंबकीय क्षेत्र, जब पहले से मैग्नेटिक फ्लक्स था उसमें जब हम आर्मेचर को घुमाए हैं, रोटेट कराए हैं, तो उसमें बिजली बनी है, विद्युत वाहक प्रेरित हुआ है, यानी EMF प्रोड्यूस हुआ है। आर्मेचर को लोड से संयोजित कर देने पर, जब आर्मेचर था हम उसको लोड से संयोजित किए, कारण ब्रश लगाए, कम्यूटेटर लगाए या स्लिप रिंग लगाए, आर्मेचर को लोड से संयोजित कर देने पर उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर धारा, लोड धारा प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप आर्मेचर अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। थोड़ा सा समझना, जब मैग्नेटिक फ्लक्स बना, ठीक, अब यहाँ पे मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ फ्लक्स था, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फ्लक्स था, जब यहाँ पे आर्मेचर को रोटेट कराया गया तो मेन फ्लक्स को घर्षण किया तो आर्मेचर पे EMF बनी, क्या बनी, EMF बनी, यहाँ पे EMF उत्पन्न हुई। ये EMF को हम लोड लगाए बाहरी सोर्स को, भाई जब जनरेटर बिजली बनाता है तो बिजली को हमें बाहर लेना पड़ता है, जब हम उसको लोड लगाए तो उसमें से करंट बहने लगी, जब करंट बहने से हमें ये पता है कि जब किसी चालक में सप्लाई या इलेक्ट्रॉन फ्लो होते तो उसके चारों ओर फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो जब ही आर्मेचर से बिजली को बाहर लेने लगे, EMF को बाहर लोड की ओर लेने लगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो मेन फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स दोनों मिल गए, मिलने के साथ लड़ाइयाँ हुई, यही बोल रहा है। जब आर्मेचर फील्ड पोल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। सबको इतना पता है कि जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रोटर को हम या आर्मेचर को रोटेट कराएंगे तो वहाँ पर EMF प्रोड्यूस होगा, EMF उत्पन्न होगी। आर्मेचर को लोड से संयोजित कर देने पर, जब हम आर्मेचर को लोड से संयोजित करेंगे, बाहरी लोड हम यानी बल्ब को जलाना है, मोटर को चलाना है, क्योंकि जनरेटर बिजली बना रही है, अब उस बिजली को यूज करना है तो बिजली को बाहर लेंगे, जब हम उसको लोड से संयोजित कर देने पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर धारा, लोड धारा प्रवाहित होती है, विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर धारा, लोड धारा प्रवाहित होती है, जब लोड धारा फ्लो होने लगी यानी करंट बहने लगा, उसके फलस्वरूप आर्मेचर अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, खुद का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में एक विक्षोभ पैदा कर देता है, लड़ाई उत्पन्न कर देता है कि भैया हमारा मकसद ज़्यादा है यहाँ पर, तुम्हारा काम है, तुमको हम दबाएंगे। वही कह रहा है कि क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, मेन चुंबकीय क्षेत्र में एक विक्षोभ पैदा कर देता है जिसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। एक लाइन में समझ जाना, पहले से हमारे पास फ्लक्स था, ठीक, एक मैंने और लाया, एक हमारा प्लस, हमारे पास कुछ फ्लक्स था, हम मजबूत थे, एक और व्यक्ति आया, हम बोले तू भी आ जा भाई, उसके पास भी कुछ ना कुछ फ्लक्स है मगर वो कमज़ोर है, हम उसको दबाने कोशिश किए, हम उसको कुछ दबा के रख रहे हैं कि भैया हम तुमको यहाँ पे नहीं आने देंगे, हम यहाँ के मालिक हैं, जो कुछ भी हो, तो यही बोल रहा है कि जो मेन फ्लक्स है और जो अभी फ्लक्स बना है वो दोनों आपस में विक्षोभ उत्पन्न किए, यानी जो हम मेन आदमी है, मतलब हम यहाँ के मेन हैं, जो और एक नया एम्प्लॉई आया, नया आदमी आया, तो वो नया हुआ, उसको कमज़ोर है, हम भाई उसको दबा के रखेंगे, भाई हम ऐसे करना वैसे करना है, तो यही चीज़ है। जब किसी आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वही चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। एक बार और समझ जाना, एक बार समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। ठीक, एक बार समझ जाओगे और जिस आदमी को आर्मेचर रिएक्शन बन गया उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, दो क्वेश्चन अटेंड करेगा हर जगह, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन समझना। आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पर पड़ने वाला प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। आर्मेचर जो बनाया है नया फ्लक्स, यानी हमने मार्केट से नया फ्लक्स लाया, एक पहले से था, जब दोनों आपस में मिले तो कुछ ना कुछ प्रभाव हुआ, तो उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहें। पहले जब अकेला आदमी था, अकेला जंगल का शेर था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, एक और शेर आ गया, अब दोनों आपस में लड़ाई करने लगे, फिर क्या हुआ, हमने भिड़ा दिया उन दोनों को,
जब आर्मेचर फील्ड पोल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब आर्मेचर को मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रोटेट कराया जाता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार बिजली बनती है, उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। आर्मेचर को लोड से संयोजित कर देने पर, जब हम आर्मेचर को लोड से संयोजित करेंगे यानी जब बिजली जनरेटर बनाने लगती है, तो देखे होंगे हम उसको लोड से, लोड का मतलब होता है कोई बल्ब जला लेना, कोई मोटर चलाना, भाई जनरेटर ने बिजली बनाया है हमको यूज तो करना ही है। जब मोटर चलाने लगे जनरेटर की बिजली से, वहाँ पर करंट फ्लो होने लगा, उस करंट फ्लो होने के कारण ही फ्लक्स उत्पन्न हुआ। जब आर्मेचर लोड को संयोजित कर देने पर उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर में लोड धारा प्रवाहित होती है, जिसके फलस्वरूप आर्मेचर अपना स्वयं का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने लगा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है और यह चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में एक विक्षोभ पैदा कर देता है, जिसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। जब हम आर्मेचर को मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रोटेट कराए हैं, आर्मेचर में बिजली बनी है, उस बिजली को हम लोड के रूप में लगाए हैं, जब लोड धारा बहने लगी है तो उसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, वो फ्लक्स मेन फ्लक्स को टच करने लगा है, विक्षोभ उत्पन्न किया है, उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब इसके कारण क्या प्रभाव होता है, अब उसको देखते हैं। इफेक्ट कहाँ चला गया, उसके कारण क्या इफेक्ट आया, ठीक ये देख लेते हैं। उसके कारण प्रभाव क्या हुआ, ये यानी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला है प्रतिचुंबकीय प्रभाव, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। जनरेटर में यानी जो जनरेटर है, जनरेटर में जब आर्मेचर रिएक्शन हुआ उसके कारण कुछ न कुछ प्रभाव मिला। अब पहला प्रभाव मिला है पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, प्रतिचुंबकीय प्रभाव, इसको देख लेते हैं। जब आर्मेचर चालक में कम लोड की धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर के चालकों द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल मुख्य क्षेत्र फ्लक्स के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है कि उसका उसका मुख्य फील्ड क्षेत्र अपनी स्थिति परिवर्तित कर देता है। जब आर्मेचर चालक में कम लोड की धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर के चालक द्वारा, जो आर्मेचर के चालक हैं, जो कंडक्टर हैं, चालक द्वारा उत्पन्न बिजली विद्युत वाहक बल मुख्य क्षेत्र फ्लक्स, जो मेन फ्लक्स की दिशा है ना, उसको चेंज कर देता है, के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है कि मुख्य फील्ड फ्लक्स अपनी फील्ड क्षेत्र परिवर्तित कर देता है। इसे प्रतिचुंबकन प्रभाव कहते हैं, प्रतिचुंबकन प्रभाव नहीं, इसे पैरामैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पैरामैग्नेटिक इफेक्ट से क्या होता है, तो आप बताओगे जो मेन फ्लक्स की दिशा है वो बदल देता है, यानी परिवर्तित कर देता है। या ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सा इफेक्ट है, ऐसा कौन सा प्रभाव है जिसके कारण आर्मेचर का जो फ्लक्स है अपनी दिशा बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। आप बोलोगे प्रतिचुंबकीय प्रभाव में। इस स्थिति में मशीन में लगे ब्रश को आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे बढ़ाकर सही किया जा सकता है। इन जो जब अपनी ये फ्लक्स की दिशा को बदल देता है, तो हमारी जो मशीन है, मशीन मान लो हमारी इधर से ऐसे घूम रही है ना, तो यहाँ पे जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं इनकी भी दिशा मशीन के घूमने की दिशा की ओर खिसका देते हैं, फिर हम ब्रश को यहाँ पे लगा देते हैं जिस दिशा पे मशीन घूम रही है उसी के आगे की दिशा पे। इस स्थिति में मशीन में लगे ब्रशों को आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे बढ़ाकर सही किया जा सकता है। जब जनरेटर को ओवरलोड करते हैं तो ध्रुव के सिरे संतृप्त हो जाते हैं और मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को, जो मुख्य ध्रुव से बना होता है, उसे अनुचुंबकित करते हैं, इससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। यानी जब जनरेटर ओवरलोड होता है, ओवरलोड के टाइम पर बोल रहा है कि उसके जो पोल होते हैं, पोल सेचुरेट हो जाते हैं, ध्रुव यानी ध्रुव मतलब पोल के सिरे संतृप्त यानी सेचुरेट, जब ज़्यादा ओवरलोड होते हैं तो एक लिमिट होती है जनरेटर पे बिजली बनाने की। भाई कोई भी चीज़ है उसकी लिमिट होती है, जनरेटर की भी बिजली बनाने की लिमिट है, हम भाई इतना वोल्टेज बना सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा जनरेटर लाओ और क्षमता के लाओ और वोल्टेज बढ़ाने वाले जनरेटर लाओ, मगर कोई ना कोई गाड़ी की टू व्हीलरें हो गए, आप तीन लोग को बैठा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा चार लोग, पाँचवें लोग के बाद खींचना बंद कर देगी, तो वही कारण है। दूसरा प्रभाव है विचुंबकन प्रभाव,
डायमैग्नेटिक इफेक्ट, बीचुंबकन प्रभाव, उसमें था प्रतिचुंबकीय प्रभाव, अब यह है बीचुंबकन प्रभाव। डीसी जनरेटर पे लोड धारा का मान अधिक हो जाने पर, जब डीसी जनरेटर पे लोड धारा का मान अधिक हो जाने पर आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित करने लगता है। डीसी जनरेटर पे लोड धारा का मान अधिक हो जाने पर आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को विचुंबकित यानी डीमैग्नेटाइज करता है, यानी उसका मैग्नेट खत्म करने लगता है। यह प्रक्रिया अग्रपोल यानी LPT अग्रपोल शीर्ष के निकट अधिक मात्रा में संपन्न होती है और इस प्रभाव के कारण फलस्वरूप जनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है। ठीक, ये बोल रहा है बीचुंबकन प्रभाव, जब जनरेटर का लोड का मान बढ़ जाता अधिक हो जाता है तो आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को, आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फ्लक्स को कम कर देता है, बीचुंबकित करने लगता है, यानी चुंबकित करना यानी उसको चुंबकन का मान बढ़ाना, बीचुंबकित मतलब चुंबकन का मान कम करने लगता है। यह प्रक्रिया आगे वाले पोल के निकट अधिक मात्रा में, पोल होते हैं पोल वन पोल टू पोल थ्री पोल फोर, तो पहले वाले पोल के पास ज़्यादा होते ज़्यादा मान होता है। इस प्रभाव के कारण फलस्वरूप जनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जनरेटर में निम्न दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो प्रभाव मिले, एक होता है प्रतिचुंबकीय प्रभाव, दूसरा है बीचुंबकन प्रभाव। ठीक, प्रतिचुंबकीय प्रभाव बीचुंबकन प्रभाव, अब इसके कारण क्या होता अपन ये देख लेते हैं। पहला है मुख्य फ्लक्स की एक समानता नष्ट हो जाती है, जो मेन फ्लक्स की एक समानता होती है वो खराब हो जाती है। दूसरा है मुख्य पोल पर बीचुंबकन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, यानी जो मेन पोल है उसमें बीचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। तीसरा है जनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है, जनरेटर की दक्षता भी घट जाती है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, एम यानी खिसक जाने के कारण ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है। जब हमारा एम यानी खिसक जाता है तो वहाँ पर ब्रश जो लगे होते कलेक्ट करते हैं EMF को, वहाँ पर स्पार्किंग होती है। तीसरा है चुंबकन समाप्त हो जाता है, किसके कारण मुख्य पोल के अधिक विचुंबकित हो जाने पर उनका शेष चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, फलस्वरूप जनरेटर की स्वतः उत्तेज क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है। ये होते हैं प्रभाव, विचुंबकन प्रभाव और प्रतिचुंबकीय प्रभाव। अब इनको हम कम कैसे कर सकते हैं कल देखेंगे, आज थोड़ा ज़्यादा गर्मी है। और ये जो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन यदि आपको समझ में आ गया है तो आगे कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो प्रभाव मिले, एक होता है प्रतिचुंबकीय प्रभाव, एक होता है प्रतिचुंबकीय प्रभाव, एक होता है बीचुंबकीय प्रभाव। प्रतिचुंबकीय प्रभाव डायमैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है बीचुंबकन प्रभाव। ठीक, इसके अलावा अपन कल करते हैं, आज के लिए यहीं इतने रखते हैं, थोड़ा कुछ काम भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।